हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ चंदू। आज आम दशम श्रेणी जीव विज्ञान प्रथम अध्याय पोषण चैप्टर रे अंधकार प्रक्रिया क्या कहुए ता विषय आज आम पढ़ा। पूर्व क्लास आम आलोक प्रक्रिया क्या कहुए ताकू पढ़ी एथस पोषण प्रकार भेद खाद्यर प्रकार भेद ए सब विषय को आम अलरेडी भल भाव पढ़ी सारी। जदि भी से तुमको किसी डाउट अच्छी तबे वीडियो कमेंट बॉक्स को जाई तुम तुम डाउट को लिखंतु, मु निश्चिंत भाव में तुम डाउट को नेक्स्ट क्लास से सॉल्व करी। एथिस सहित आपण मानको अनुरोध आपण माने आमर वीडियो को संपूर्ण भाव देखिबा सहित वीडियो को लाइक करबा को भूलंतु नाही। एवं हाँ, आम चैनल को निजे सब्सक्राइब करने सहित निज फ्रेंड मान को मध्य शेयर कर सब्सक्राइब करने को अनुरोध करंतु। तबे आसन देखिबा आज टॉपिक अंधकार प्रक्रिया। तबे अंधकार प्रक्रिया कहार अंशविशेष अटे, मोर पूर्व क्लास से आपण मानक कही जे आलोक शोषण प्रक्रिया को दुई भाग में विभक्त कर एक आलोक प्रक्रिया दुईरे हो अंधकार प्रक्रिया। तेज पूर्व क्लास से आम आलोक प्रक्रिया को पढ़ी सारी। तेज आसन देखा आज टॉपिक अंधकार प्रक्रिया। आलोक उपरे अंधकार प्रक्रिया निर्भर करिन थाए, तो आलोक उपरे अंधकार प्रक्रिया निर्भर करिन थाए। बुझिपारे आलोक उपरे अंधकार प्रक्रिया निर्भर करिन थाए। पत्रर स्टोम माध्यम कोष भितर को विषयित होता अंगारकाम्ल स्ट्रोमा रस द्रवीभूत हो रही है। तो आम मैंने कौन जाने पत्रर स्टोम मध्य कौन हुए अंगारकाम्ल खाद्य प्रस्तुत समय रे कौन हुए कोष भितर को जाई स्ट्रोमा रस कौन हुए द्रवीभूत हो रही है। किए द्रवीभूत हो रही है स्ट्रोमा रस अंगारकाम्ल द्रवीभूत हो रही है। आलोक प्रक्रिया आलोकर उपयोग होता बेले अंधकार प्रक्रिया आलोकर व्यवहार हुए ना, यह आपण मैंने मन रखा दरकार। बुझिपारे स्ट्रोमा रस कौन हो अंगारकाम्ल द्रवीभूत अवस्था रही। स्ट्रोमा रस पांच कार्बन युक्त ग्राहक अणु द्वारा आलोक प्रक्रिया सुष्ट आलोक श्लेषण शक्ति एटीपी और एनडीपीएच को उपयोग कर द्रवीभूत अंगारकाम्ल को एक एंजाइम माध्यम निज सहित विबंधन कराए। तो आम मैंने कौन जाने जे स्ट्रोमा रस कौन रही है पाँच कार्बन युक्त ग्राहक अणु रही है। तो से ग्राहक अणु कौन करे आलोक प्रक्रिया जो आलोक श्लेषण शक्ति सृष्टि होता है किए किए एटीपी आउ एनएडीपीएच यह उपयोग कर कौन हुए यह सहित से मैंने कौन कै अंगारकाम्ल को मिसाई कौन करे एमानक मध्ये एक विबंधन कराए जहाँफल कौन सृष्टि हुए यही जैविक क्रिया द्वारा तीन कार्बन युक्त शर्करा तैयारी हुए। तो आम मैंने कौन शिखिले जे स्ट्रोमा रस अंगारकाम्ल द्रवीभूत हो रही। तो यही स्ट्रोमा रस कौन रोच पाँच कार्बन युक्त ग्राहक अणु रोचे से कौन करुच्ची आलोक प्रक्रिया सृष्टि होता कौन एटीपी आउ एनएडीपीएच ओके देन ए जो दुटा रहा यह कौन अटे आलोक श्लेषण शक्ति अटे से कौन करुच्ची अंगारकाम्ल को एटीपी आउ एनएडीपीएच सहित कौन करुच्ची मिसाई कौन करुच्ची तीन कार्बन युक्त शर्करा तैयारी करुच्ची। बुझिपारे ग्राहक अणु को राइबोलेज बीस फसफेट। तो ग्राहक अणु जो पाँच कार्बन युक्त जो आम ग्राहक अणु पढ़िले आम कौन कहे राइबोलेज बीस फसफेट कहूला बेले जहाँ आम आर यू बीपी कही था एंजाइम को आम राइबोलोज बीस फसफेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज बा रुबिस्को देखिए राइबोलोज बीस फसफेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज जहाँ को आम रुबिस्को बोली कही था। तो आम मैंने कौन जाने पाँच कार्बन युक्त जो ग्राहक अणु रहा आम कौन कहे राइबोलोज बीस फसफेट आउ जो एंजाइम सृष्टि आम कौन कहूँ रुबिस्को बोली कहूँ रुबिस्कोर फुल फॉर्म कौन एठार आपची आपण मैंने देखिकी मन रखिपारे। तेब आलोक श्लेषण जैव रसायन तो आलोक श्लेषण जो अंधकार प्रक्रिया हुए ताक कौन अटे जैव रासायनिक प्रतिक्रिया अटे से सही कथा देती आलोक श्लेषण जैव रासायनिक अंधकार प्रक्रिया समय पर्यायक्रमे विभिन्न जैव अणु संतरक नियोजित होती। तो आम मैंने कौन जाने जो अंधकार प्रक्रिया होता है से कौन होता है विभिन्न प्रकार जैव अणु आ संतरक नियोजित होता बुझिपारे एंजाइम गुड़िक मध्यरु रुबिस्कोर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। तो एंजाइम मानक मध्यरु कहार भूमिका गुरुत्वपूर्ण रुबिस्कोर भूमिका गुरुत्वपूर्ण ओके एंजाइम मानक मध्यरु कहार भूमिका गुरुत्वपूर्ण रुबिस्कोर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। यह प्रथमे CO2 को
जैव पदार्थ रे विभंधन करिवारे सहाय्य करे। से कौन करे ए जो रुबिस को रहिला से कौन करे CO2 को जैव पदार्थ रे कौन करिवारे परिवर्तन करिवारे सहाय्य करे। एही एंजाइम टी आलोक प्रक्रिया रु जात एटीपी उपर निर्भरशील होइथिबारु आलोक प्रक्रिया रे किछि समय परे अंधकार प्रक्रिया रो आरंभ हुए। तो आपण मानक में मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन हुए ना आलोक प्रक्रिया रे किछि समय परे कौन हुए अंधकार प्रक्रिया आरंभ हुए। तो आमे माने कौन जानिले जे रुबिस को CO2 को जैव पदार्थ रे विभंधन करिवारे सहाय्य करे। बुझी पारिले रुबिस को कौन करे CO2 को जैव पदार्थ रे विभंधन करिवारे सहाय्य करे। आउ जो एंजाइम रहिला एही एंजाइम टी किए रुबिस को आलोक प्रक्रिया रु जात हेउथिबारु एहा एटीपी उपर निर्भरशील होइथाय। हला रुबिस को जो एंजाइम रहिला से कहा पर निर्भरशील एटीपी उपर निर्भरशील काहेकि ना से आलोक प्रक्रिया रु जात होइथाय। तेणु आलोक प्रक्रिया रे किछि समय पर अंधकार प्रक्रिया आरंभ हुए। आलोक प्रक्रिया सहित मध्ये या चली थाए तो आलोक प्रक्रिया सहित मध्ये अंधकार प्रक्रिया चली थाए। बुझी पारिले तीन कार्बन युक्त शर्करा अणुगुड़िक चक्राकार रे विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया माध्यम रे परिचालित होई एक छ कार्बन युक्त ग्लुकोज अणु संश्लेषित करिबा सह पांच कार्बन युक्त राइबोलोज बिस्फोस्फेट गाहक अणु को पुनर्बार सृष्टि करिथाय। तो आमे माने कौन पढ़िले जे तीन कार्बन युक्त शर्करा अणुगुड़िक चक्राकार रे विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया माध्यम रे परिचालित होई। तो आमे माने जानिले जे तीन कार्बन युक्त शर्करा अणु किभली भाव रे सृष्टि होला कारण स्ट्रोमारोस रे अंगारकाम्ल रहीथिला देन सेथिरे थिला पांच कार्बन युक्त ग्राहक अणु से द्रवीभूत होला। आपण माने जानिले किभली भाव रे कौन सृष्टि होला आरयूबीपी कौन होला रुबिस्को कौन तो ए सब जिनिस को जानिले। तो एही तीन कार्बन युक्त जो रहिला शर्करा अणु से कौन हुए विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया माध्यम रे परिचालित होई कौन सृष्टि करे छ कार्बन युक्त ग्लुकोज अणु सृष्टि करने सहित पांच कार्बन युक्त राइबोलोज बिस्फोस्फेट ग्राहक अणु सृष्टि करिथाय। छ कार्बन युक्त ग्लुकोज सृष्टि करे पुनर्बार जो पांच कार्बन युक्त जो बिस्फोस्फेट रहिला मु आपण मानको कहिथिले राइबोलोज बिस्फोस्फेट जो ग्राहक अणु थाए कहा सहित द्रवीभूत होइथाय अंगारकाम्ल सहित द्रवीभूत होइथाय मु आपण मानको कहिथिली। तो से पुनर्बार से ही पांच कार्बन युक्त राइबोलोज बिस्फोस्फेट को सृष्टि करे। बुझी पारिले चक्राकार रे घटुथिबा एही प्रक्रिया को एहार आविष्कार को मेलविन केल्विन नाम केल्विन को नामानुसार केल्विन चक्र कहा जाए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अंधकार प्रक्रिया को क्यों चक्र बोली कहा जाए थे तबे माने कौन कहिबो केल्विन चक्र। तबे आपण माने को क्वेश्चन आसी पारे अंधकार प्रक्रिया को किए बाहर करथिले तबे माने कौन लिखिबो मेलविन केल्विन। बुझी पारिले तो आपण माने को जदि केल्विन चक्र कहा को कहा जाए आपण जदि एग्जाम रे क्वेश्चन आसे तबे आपण माने कौन लिखिबे अंधकार प्रक्रिया को ही लिखिबे। अंधकार प्रक्रिया कहा को कहा जाए बुझिले स्ट्रोमारोस रे कौन द्रवीभूत रहिला अंगारकाम्ल। अंगारकाम्ल कौन हुए पांच कार्बन युक्त ग्राहक अणु सहित मिसिला देन से कौन करे एटीपी आउ एनएडीपीएच को उपयोग करी एंजाइम सह अंगारकाम्ल को एंजाइम माध्यम रे निज सहित कौन करे विबंधन कराए देन किभली भाव रे तीन कार्बन युक्त शर्करा अणु सृष्टि हुए। तो ए सब जिनिस को आपण माने कौन करिवे डिटेल्स से केल्विन चक्र रे लेखिबे। एथि सहित केल्विन चक्र रे घटुथिबा क्रिया तीन पर्यायुक्त हेबो। ओके तो केल्विन चक्र रे जो सब क्रिया घटे ता तीन पर्यायुक्त हेबो। प्रथम पर्याय रे ग्राहक अणु सहित अंगारकाम्ल विभाजन आमे माने जानिले किभली भाव ग्राहक अणु पांच कार्बन युक्त ग्राहक अणु किभली भाव अंगारकाम्ल सहित विभाजन कला। द्वितीय रे कौन जानिले ग्लुकोज संश्लेषण होला ग्लुकोज सृष्टि होला आपण माने जानिले जे किभली भाव ग्लुकोज सृष्टि होउची। तृतीय रे ग्राहक अणुर पुनरुत्पादन तो ग्राहक अणु पुनर्बार सृष्टि कला आईडी आपण माने देखंतु मु आपण मानु कहितिलि तीन कार्बन युक्त अणु कौन हुए जैव रासायनिक क्रिया माध्यम रे छह कार्बन युक्त ग्लुकोज अणु और पांच कार्बन युक्त राइबोलोज बिस्फोस्फेट ग्राहक अणु सृष्टि करे। पांच कार्बन युक्त राइबोलोज बिस्फोस्फेट होउची ग्राहक अणु मु आपण मानु कहि दउची मन रखंतु। ओके ग्राहक अणुर पुनरुत्पादन होइथाय। तो यही चक्रटी मध्ये देइची आपण मानु अंधकार प्रक्रिया कला बेले ई चक्रटी को मध्ये डायग्राम माध्यम रे मध्ये देखैबारे अछि। जदि आपण मानु चित्र आसे तबे ई डायग्राम को मध्ये आपण माने कहि देखै परिबे देखंतु एठी पांच कार्बन युक्त ग्राहक अणु रहिला अंगारकाम्ल रहिला एठी एंजाइम रुबिस्को रहिला एटीपी एनएडीपीएच रो किभली भाबरे सृष्टि हला आपण माने देखंतु देन दुई तीन कार्बन युक्त शर्करा किभली भाबरे हला किभली भाबरे ग्लुकोज संश्लेषण हला देन ग्लुकोज सृष्टि हला पुणी ग्राहक अणु रो पुनरुत्पादन हला।
तो आपण माने बुझिपारे कि भली भावे होउची तबे आपण माने प्रथमे ए क्लास को आउ थरे देखंतु एवं निजे भलो से बहिरु पढंतु एवं मोर वीडियो को देखंतु निश्चिंत भावे मो गारंटी दउची आपण माने बुझिपारिबे। तबे एहा थिला आजर आपण मानको पय क्लास आजर क्लास आपण मानको किपर लागिला कमेंट माध्यम रे जणंतु एवं आमो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर मध्ये करंतु पुणी देखा हबो एक नुवा क्लास रे एक नुवा टॉपिक सहित सेति पर्यंत थैंक यू बाय एंड टेक केयर।